name is Mohammad Gulam and I am your best teacher. प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने डिस्कस किया था, जो हमने इसका चैप्टर नंबर 9 का हमने इंट्रोडक्शन लिया था। इसमें हमने समझा था कि इक्वेशंस में जो 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 फैक्टर जो जो टर्मिनोलॉजी जो हमने यूज की थी वो हमने डिस्कस किया था। वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, इन दोनों को हम जो कंबाइन करते हैं तो वो हमारे पास एक्सप्रेशन बनती है। अगर एक्सप्रेशन के जो साथ हम इक्वल का साइन मेंशन कर दें तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो आज हम इसके मजीद जो है इसके क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 9 इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि आपके सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट मंथली का असेसमेंट का फर्स्ट चैप्टर है, जो कि आपका जो फर्स्ट मंथली लिया जाएगा वो इसमें से लिया जाएगा जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, और इसमें मजीद आपको वर्कशीट प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आपको वर्कशीट करने में मजीद आसानी होगी। तो काइंडली इस लेक्चर को ध्यान से सुने ताकि आपके जो पेपर में जो एग्जाम जो होंगे इसमें से ही लिया जाएगा। तो आज हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 9। इसमें हमने करना क्या है, इसमें हमने वर्ड्स हमारे पास गिवन है, वर्ड्स के थ्रू हमने क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। कोई भी वर्ड्स है, वर्ड ये हमारे पास वर्ड्स गिवन है। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर राइट डाउन एन इक्वेशन फॉर ईच क्वेश्चन। हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो क्वेश्चन दिए गए हैं, हमने यहाँ स्टार्ट किया है 1-5 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना इधर क्या मकसद है, हमने इक्वेशन बनानी, इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है, अब इक्वेशन किस तरीके से बनाते हैं, इक्वेशन जो है हमारी मैथ्स के अंदर एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। सपोज अगर हम इधर जो है एक फिजिकल बैलेंस अगर हम बनाते हैं इधर, ये आपके पास फिजिकल बैलेंस ये आपके पास पेन हम कहते हैं ना, जो जो जिससे हम नापेंगे चीजों को। सपोज करें ये हमारे पास x+2 है, ठीक है, और इधर है 2+3। अब दोनों का इन दोनों का जो बैलेंस होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ये क्या करेंगे, सपोज करें इसको हम तराजू जो है कंसीडर कर सकते हैं। सपोज करें ये 3+2 5 है, ठीक है। अब यहाँ पर x किसके बराबर होगा, कि ये यहाँ पर 5 बन जाए, तो यहाँ पर x बराबर होगा 5 के, तभी इन दोनों का आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, अब इसको हम जो है वर्ड्स के थ्रू जो हमें बताया गया है उसको हमने यूज करते हैं कि क्वेश्चन बनानी है, क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के 1 में फर्स्ट पार्ट की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या हम सीखेंगे, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। अब इसमें लिखा गया है अ नंबर इंक्रीज बाय 5 इज 12। ऐसा नंबर हो जिसमें 5 क्या हो, इंक्रीज हो। इंक्रीज का मतलब होता है एड हो जाना, सम हो जाना, तो उसको हम इंक्रीज, जहाँ भी आपको दिखे इंक्रीज का जो वर्ड आपको नजर आया आपने क्या करना है, जस्ट प्लस कर देना है। तो नंबर कंसीडर कर ले आप उसको एक्स, ठीक है, एक्स कंसीडर कर लिया हमने। अब के क्या रहा है हमारे पास, इधर हम सॉल्यूशन लिख देंगे। आ नंबर कोई भी ऐसा नंबर है, मैंने एक सपोज किया, आप वाई भी कर सकते हैं, आप जेड भी कर सकते हैं, आप ए भी कर सकते हैं, तो मैंने इधर एक सपोज किया है। अ नंबर इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब होता है पॉजिटिव साइन, तो हमने क्या कर देना है, प्लस मेंशन कर देना है। अ नंबर इंक्रीज बाय 5, मतलब ऐसा कोई नंबर हो जिसमें 5 क्या हो रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो, तो इंक्रीज बाय 5। अब इसका मतलब होता है हमारी जो वर्डिंग में जो इज होता है वो इक्वल को शो करता है, इज। तो आपके पास ये इज 12, ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन। जो हमारा टारगेट था वो हमने अचीव कर लिया, जो हम मालूम करना चाह रहे थे वी हैव डन। x+5=12 ये इक्वेशन हमने फॉर्म की। अब मजीद कुछ नहीं करना, सॉल्व करने का नहीं कह रहा उसमें, उसमें कह रहा है राइट एन इक्वेशन फॉर ईच, हर एक की हमने इक्वेशन बनानी है। ये सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे हम इधर।
अब देखिए इसमें ये जो है टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा है ट्वाइस अ नंबर। अब कोई भी आप नंबर सपोज कर ले, मैं इधर वाई सपोज कर लेता है आपकी बुक के अंदर एक्सपी सपोज किया गया है, मैं इधर वाई सपोज कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए, मैं एक्सपी कर सकता हूँ हमारी मर्जी है। ट्वाइस अ नंबर, ट्वाइस का मतलब वाई सपोज किया हमने कोई भी नंबर, उसका हम क्या कर देंगे दोगुना कर देंगे, ट्वाइस ऑफ अ नंबर। तो ये क्या हो जाएगा ट्वाइस टू वाई ट्वाइस ऑफ अ नंबर। वाई हमने सपोज किया, अब टू क्यों लगाया हमने, क्योंकि ट्वाइस कह रहा है, ट्वाइस अ नंबर डिक्रीज। अब डिक्रीज का क्या मतलब होता है, माइनस कर देना। तो हम माइनस इधर मेंशन कर देंगे। बाय थ्री मतलब थ्री में से माइनस होगा, इस मैंने आपको बताया इक्वल को शो करता है 15। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है, ये सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर हम थ्री पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। अब इसमें कह रहा है सिक्स लेस देन फोर टाइम्स आ नंबर, फोर टाइम्स आ नंबर सिक्स जो हो रहा है वो लेस देन हो रहा है, छह को हम माइनस करेंगे। लेस का मतलब इधर क्या होगा, इधर भी माइनस करना पड़ेगा हमें। अब इधर फोर टाइम्स कह रहा है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे फोर से मल्टी, जब टाइम्स की बात होती तो इधर शो होती है मल्टीप्लीकेशन। अब सपोज कर ले मेरे पास जो नंबर है लेट एक्स बी आ नंबर, हमने एक्स को नंबर कंसिडर कर लिया, अब वो बोला फोर टाइम्स, तो फोर टाइम्स क्या होगा, ये फोर टाइम्स हो गया मेरे पास। फोर टाइम मतलब मल्टीप्लीकेशन, मेंशन नहीं करते ऐसे ही से लिखते हैं हम, अगर सपोज कर ले हम ऐसे क्रॉस नहीं लगाएंगे, ये अंडरस्टूड होता है फोर टाइम्स अ नंबर, फोर टाइम्स अ नंबर लेस देन सिक्स इज ये इक्वल को शो कर रहा है 30। ये रिक्वायर्ड आंसर है अपने पास। अब इस पर आते हैं, अब इसमें क्या कह रहा है वन फिफ्थ ऑफ अ नंबर। अब हमने कोई भी एक नंबर है लेट एक्स बी आ नंबर, हमने एक्स लगा दिया, अब ऑफ कह रहा है, तो ऑफ को हम ऐसे भी लिख लें ऑफ, वन फिफ्थ का मतलब होता है 1/5। एडिट का मतलब प्लस, के वन फिफ्थ ऑफ अ नंबर एडिट टू सिक्स, इसमें सिक्स ऐड कर लेंगे हम, इज 10। अब ऑफ का मतलब ये होगा कि मल्टीप्लीकेशन को शो करता है, जब भी इक्वेशन में आपको मेंशन किया जाएगा तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो इधर क्रॉस हम लगा देंगे, और ये क्रॉस, ये वन और ये फाइव प्लस सिक्स इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ठीक है। इसको हम अभी इस फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं x अपॉन 5 प्लस 6 इक्वल टू 10, ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इसको बेटा जो हमने काम किया इसको आपने जो है कॉपी के अंदर जो है उसको फेयर करना है, इसको फेयर करना ताकि आप इसकी मर्जी प्रैक्टिस करें। और ये काम सिर्फ आपने देखना नहीं है, लेक्चर सुनना नहीं है, इसको फेयर भी करना है इन फिजिकल क्लास। तो बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अभी बोला है टू थर्ड ऑफ अ नंबर लेट, इधर मैं वाई सपोज कर रहा हूँ, लेट वाई बी आ नंबर, तो हमने वाई लिख लिया, ठीक है। अब बोला ऑफ, ऑफ टू थर्ड का मतलब टू अपॉन थ्री,
सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एड, अब ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है एड में से, फ्रॉम जब भी यूज किया जाएगा तो हम इसको पहले लिखेंगे ऐसे इक्वल टू फोर। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं, हमने क्या सीखा था ये अब हम रिमूव कर देंगे, इधर क्रॉस लगा देंगे, ये हो जाएगा टू वाई और ये थ्री और इक्वल टू फोर। ठीक है बेटा, ये हमारी जो ये रिक्वायरमेंट थी जो हमने अचीव कर लिया है, इसको आपने बेटा फेयर कॉपी के अंदर फेयर करना है और इसको जो है मैं फिजिकल क्लास के अंदर आपकी ये कॉपी चेक करूंगा, इसकी मदद प्रैक्टिस करें, इसको बार बार देखें ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम माइंड के अंदर आए उसको आप हल कर सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।